भीमराव अंबेडकर जी के महान संदेशों से प्रेरित होकर गांव गांव जाने और अपने समाज के युवाओं से एकाकार होने, उनसे दिल की बात करने का मैं और हमारे तमाम साथी जिस काम को करते हैं, मैं उस काम के बारे में आज इस मंच से भारत भर से आए तमाम युवाओं को कुछ बातें कहना चाहूंगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पूरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन आज जो बातें यहां कही जाएंगी तमाम विद्वानों के द्वारा, उनके जीवन से जुड़ी हुई अनेक अनमोल बातें आएंगी। मैं आप तमाम लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के महत्वपूर्ण 10 साल और उन 10 सालों में बाबा साहब ने जो दिया उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दुनिया के तमाम देशों से घूम घूम करके जिस शिक्षा को लेकर के आए, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या भारत की एलिफेंटन कॉलेज रहा हो, बाबा साहब ने 11 सितंबर सन 17 को वडोदरा में आने के बाद 11 दिन जो पीड़ा दर्द बाबा साहब ने झेला, वो दर्द जो 23 सितंबर 1917 को एक संकल्प बन गया, 23 सितंबर सन 1917 को वडोदरा की भूमि पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 11 दिन दिल दिल कर अपमान भरे जीवन से जो गुजरे, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के दृष्टिकोण को बदल करके रख दिया। वो 11 दिन बाबा साहब वडोदरा की उस भूमि पर जब बंबई लौटने को मजबूर हुए, जब वो संकल्प ले रहे थे, जब वो दिल दिल उन भूली भिसरी पुरानी यादों को याद कर रहे थे, तब उनके दिमाग में ये आ रहा था कि मैं बचपन में जब बकरियां चराता था, जब मेरे मोहल्ले के गंदे लोग निकल करके जाते थे, जब हमारी गरीबी हमारे आड़े आती थी, तो मैं सोचता था कि हमारे साथ होने वाले अन्याय, अत्याचार, छुआछूत और भेदभाव का कारण शायद गरीबी है, शायद पिछड़ापन है, शायद हम लोगों का गंदा रहना इस बात का कारण है कि लोग हमसे अनटचेबिलिटी करते हैं। लेकिन आज मैं दुनिया से विद्या भूषित होकर के लौटा हूं, अमेरिकियों ने मेरा रेस्पेक्ट किया, ब्रिटेन ने मेरा स्वागत किया, मैंने दुनिया में ज्ञान की तुतुबी बजाई, लेकिन यहां मैं मेरे चपरासियों के द्वारा भी अपमानित किया जा रहा हूं। इसका कारण गरीबी नहीं हो सकता, इस अपमान का कारण हमारे लोगों का गंदा रहना भी नहीं हो सकता, इसका कोई और कारण है और वो कारण मेरे कई डिग्रियां ले लेने के बावजूद भी मुझे ज्ञान नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 23 सितंबर 1917 को संकल्प के समय ये तय कर लिए कि मुझे इस कारण को पहले जानना है कि आखिर हमारे ही साथ ये दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है, हम समाज से क्यों काटे गए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सन 17 से लेकर के सन 27 तक ये जो दौर गुजारते हैं, जीवन जीते हैं, इसी 10 वर्ष के पीरियड में महान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी संस्कृत में मास्टर डिग्री पूरी करते हैं। यही वो दौर होता है जब वो पाली और प्राकृत से रूबरू होते हैं, यही वो दौर होता है जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के तथाकथित ब्राह्मणी साहित्य को चर्च कर जाते हैं और वो जान पाते हैं कि इस देश के तमाम शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई हैं, वो बातें इस देश की महान संस्कृति की तरफ
आप इशारा करती हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इन 10 वर्षों में तमाम अखबारों के माध्यम से उन बातों को प्रचारित प्रचारित करते रहे जिन बातों को वो इस अध्ययन के उपरांत जान पाए। उन्होंने वेदों का अध्ययन करने के बाद रामायण गीता और महाभारत का अध्ययन करने के बाद उन्होंने तमाम सैकड़ों पुराणों और स्मृतियों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि इनमें यह लिखा हुआ है कि भारत के श्रमण अर्थात बौद्ध शासकों का अंत करके हमने एक महान संस्कृति को खत्म करने की दिशा में काम किया है। ऐ हमारे ब्राह्मण वंशजों, तुम इन श्रमणों को, तुम इन बौद्धों को कभी उबरने का मौका मत देना, उबरने का मौका मत देना। तुम इनके साथ छुआछूत करना, तुम इनके साथ अंटचेबिलिटी करना। जब बाबा साहब ये जान पाए तो एक बात क्लियर हो गई। वो क्या क्लियर हुई? वो ये क्लियर हुआ कि इस देश का वो समाज जो आज अनुसूचित जाति के नाम से जाना जा रहा है वो मूलतः बौद्ध समाज है। बौद्ध, उन्हें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। और बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को इस देश के नवयुवन के साथ, इस देश के युवाओं के साथ 7,000 से ज्यादा की संख्या में इकट्ठा होकर के दुनिया की मीडिया को बताते हुए ऐलान करते हुए कि मैं इस देश के महान बौद्धों का लायक उत्तराधिकारी हूं, मैं इस देश के महान बौद्धों का लायक उत्तराधिकारी होने के नाते मैं मेरे लोगों को, मैं बौद्धों के उन करोड़ों करोड़ों लोगों को जो इस देश में छुआछूत भेदभाव पिछड़ेपन को झेल रहे हैं, मैं उनको मुक्त करके ही दम लूंगा। बाबा साहब ने उसी दिन ये घोषणा करी कि आने वाला वक्त भारत में बौद्धों के पुनर्जागरण का दौर होगा। भारत के लोग भारत की वैभवशाली संस्कृति को जान पाएंगे। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी तुम्हें चिल्ला चिल्ला करके याद कर रहे हैं। मैं जब गांव में जाता हूं, हमारे साथी जब गांव में जा रहे हैं तो वो ये नहीं कह रहे कि तुम बौद्ध हो जाओ, वो ये कह रहे कि तुम बौद्ध हो, तुम जाग जाओ, तुम बौद्ध हो, तुम जाग जाओ, तुम बौद्ध हो, तुम जाग जाओ। मैं समझता हूं कि समय का अभाव है और भी विद्वान है, मैं मंचों पे बोलना मुझे आता नहीं, मैं तो गांव गांव जा करके ज्ञान चर्चाएं करने का आदि हूँ, शौकीन हूँ। यहाँ पीछे बैठे हुए भीम ज्ञान चर्चा के तमाम लोग इस बात को जानते हैं कि ज्ञान चर्चा बिना खर्चा कर करके इस समाज के सोए हुए बौद्धों को जगाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। एक संकल्प के साथ मैं अपनी बात को पूरी करना चाहूंगा। हम बौद्ध थे, हमारे पुरखे बौद्ध थे। मैं चाहूंगा आप भी बोलेंगे मेरे साथ, हमारे पुरखे बौद्ध थे, हमारे पुरखे बौद्ध थे, इसलिए मैं बौद्ध हूं, इसलिए मैं बौद्ध हूं। मैं एक निमंत्रण के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आगामी 25 दिसंबर जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस देश की एक मनहूस स्मृति को आग लगाई, जिस दिन इस देश में, भारत में बौद्धिज्म के पुनर्जागरण की नींव डाली, जिस दिन भारत के सोए हुए बौद्धों को ललकारते हुए, उन्हें जगाते हुए अपील करी और बताया कि तुम दलित नहीं, तुम इस देश के नहीं दुनिया के ज्ञानदाता हो, ज्ञानदाता हो, उस दिन को ग्रेटर नोएडा में बौद्ध महोत्सव के रूप में
बहुजन स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आप सब लोग उसमें सादर आमंत्रित हो। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। सभी को जय भीम नमो उदय। बहुत बहुत साधुवाद भाई सुव्रतपाल राक्षस जी का, जिन्होंने बहुत ही ओजस्वी तरीके से हमारा मार्गदर्शन किया और हमारा आह्वान किया कि हमें भी जो भी हमारे कर्मठ साथी हैं और जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं वो गांव गांव गली गली मोहल्ले में जाके लोगों को जगाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथियों। अब मैं बुला रहा हूँ साथियों।